स्नो इज नो मोर। देखो ये दो अमानत छोड़ गई स्नो हम लोग के पास। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप लोग, कैसे भी उठ चुके? ब्रेकफास्ट एंड ऑल कुछ नहीं हुआ है एंड एक गलत सीन हो गया गाइस हम लोग के साथ में। गलत सीन हो गया है, क्या बोल सकते हैं, गलत सीन हो गया है। इस बात को ज़्यादा बड़ा नहीं करते, बताते कि एक्चुअली हुआ क्या है। स्नो अब हम लोग के साथ नहीं रही है, स्नो इज नो मोर। लाइक कल सुबह सुबह स्नो नहीं रही, सुबह चली गई हम लोग को छोड़ के। कल इसलिए हम व्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि वो सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ हमसे एंड व्लॉग नहीं बना पाए। सो स्नो अब नहीं रही है, उसका बस दो अमानत हम लोग के पास है एंड हम लोग को उसका दो अमानत का टेक केयर करना है अच्छा से। एंड बस क्या बोले, लाइक हुआ क्या कि हम लोग स्नो को एक डॉग कट कर लिया था अभी से लाइक 10 या 12 डेज बिफोर। हाँ, इतना दिन पहले एक डॉग कट कर लिया था वो लोग को, स्नो को। तो उसके बाद हम लोग उसको दिखाए, इंजेक्शन दिलाए, मेडिसिन दिलाए। हम लोग को लगा कि स्नो ठीक हो गई है, हो गई थी, ठीक हो गई थी, अपना पैर में चलने वाले लगी थी, सब कुछ ठीक हो गया था। बट अचानक से लाइक लास्ट 3-4 दिन से उसको फीवर चढ़ गया था। वो हम लोग को मालूम नहीं चला कि उसको फीवर चढ़ गया। वो अपना खाना छोड़ दी थी, 2 दिन से अपना खाना छोड़ दी थी। फिर हम लोग 2 दिन के बाद डॉक्टर दिखाए तो हम लोग को मालूम चला कि उसका हालत एकदम सीरियस है। लाइक डॉक्टर देख के बोला कि इसको कोई वायरल डिजीज़ हुआ है जिससे बचना लाइक ज़्यादा चांसेस नहीं रहता, क्योंकि वो बताया कि उसके पास ऐसा केस आया था और भी, तो वो लोग भी नहीं रहा। तो हम बोले ठीक है सर, आप अपना चांस अपना पूरा कीजिए, कोशिश देखिए क्या होता है। तो वो उसको उस टाइम पे पानी चढ़ाया, 2 इंजेक्शन दिया, टैबलेट्स वैबलेट्स दिया, मतलब मेडिसिन सब कुछ दिया। वो अपने तरफ से सब कोशिश किया पर वो पहले ही बोल दिया था कि इसका चांस कम है क्योंकि क्रिटिकल हो गया था बॉयज, बहुत सिचुएशन क्रिटिकल हो गया था। बट फिर भी हम लोग सब कुछ किए उसके लिए एंड लाइक रात को रखे थे एंड सुबह उठ के देखे कि स्नो नहीं रही। लाइक सबसे पहले हम देखे उसको, देख के हम लाइक हम देखे उसको, गेट खोल के निकले, सामने लेटी हुई थी। मेरे पास कुछ क्लिप्स होगा, हम दिखा देंगे आप लोग। एक दो वीडियो होगा वो आप लोग को हम दिखा देंगे कि कैसा क्या था नहीं था। लाइक वो मेरे रूम के बाहर हम गेट खोले, वो नीचे सो के थी, तो मेरे को लगा कि लाइक सही होगी, सो गई होगी। तो सबसे पहले उसका हम फीवर चेक किया, उसका कान छू के, वो लोग का फीवर कान छू के चेक करते हैं। तो उसका कान छू के देखे तो देख रहे कि ठंडा है, लाइक बोले चलो फीवर डाउन हो गया, सही है। फिर वो लेटी हुई थी आँख खोल के, तो हम देखे कि आँख खुला हुआ, हमको लगा कि जागी हुई है। सो फिर उसको बॉडी टच किया तो उसका बॉडी पूरा टाइट हो गया था, मतलब एक होता है कि पूरा सुकड़ के टाइट हो जाना, वो पूरा टाइट स्ट्रेच हो गया था पूरा बॉडी उसका। उसको छुए हमको फील हो गया कि भाई ये अब नहीं रही है, वो पूरा बॉडी उसका फ्रीज हो गया था एक टाइप से, पूरा ठंडा से नहीं बोल सकते हो, पूरा अकड़ गया था, अकड़ना वो बोल सकते हो उसको, पूरा बॉडी उसका अकड़ गया था। फिर ये हुआ था सुबह का 5 बजे, हम 5 बजे भोर से उठे हुए हैं, वहीं बैठे हुए थे। फिर आस्ते आस्ते मम्मी लोग को भी हम नहीं उठाए, मम्मी लोग उठी लाइक अराउंड 7 बजे। तो 7 बजे उठ के देखी, मम्मी भी रोने लगी, भाई देखा, भाई रोने लगा। मेरे पास क्लिप से हम शेयर करके दिखा देंगे कैसा क्या हुआ नहीं हुआ। तो भाई भी पूरा रोने लगा, बहुत खराब लगा। स्नो को आए हुए हमारे पास बस 2 महीना भी नहीं हुआ था एंड ये सब हो गया, क्या करे बॉयज, क्या करे। अब इतना ही था उसका जिंदगी। फिलहाल उसकी 2 अमानत हम लोग के पास है एंड टेक केयर करना है। फिर हम एंड आसिफ गए मिल के स्नो को लेके, उसको जाके दफना दिए, मिट्टी कोड़ के दफना दिए उसको। तो क्योंकि वो सही रहता उसके लिए, फेक वेक नहीं सकते थे ना, तो फिर जाके हम लोग दफना दिए एंड ऑल यही सारा कुछ हुआ। तो इसके चक्कर में कल हम व्लॉग नहीं बना पाए एंड आज व्लॉग बना रहे, तो ये वाला इंसिडेंट हुआ। सो साइड बुरा लगा बॉयज, बुरा लगा, क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी यही है, कोई आता है कोई जाता है। तो मेरे पास बस यही था, सोचे कि आप लोग को स्नो का अपडेट्स दे देते हैं कि स्नो इज़ नो मोर, और बाकी देखते हैं कैसा क्या रहता है।
ये देखो ये दो अमाना छोड़ गई स्नो हम लोग के पास में, बड़ी हो गई है ये लोग। ओए ओए अभी ये लोग को हम लोग को पूरा अच्छा से टेक केयर करना पड़ रहा है, ये लोग को दूध देना पड़ रहा है, ये लोग को कैट फूड देना पड़ रहा है बॉयल कर करके, क्योंकि कैट फूड जो था थोड़ा कड़ा कड़ा था एंड ये लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो उसको बॉयल करके उसको सॉफ्ट कर दे रहे फिर ये लोग को दे रही खा रहा, लाइक बहुत अच्छा से रह रही है। ये दोनों फीमेल है सो ये दोनों को अब हम लोग को अच्छा से टेक केयर करना है एंड बड़ा करना है, स्नो का जगह ये लोग को दिलाना है, समझ लो ना। सो बस अच्छा से ये लोग को करना है एंड अब लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को आइडिया नहीं था पेट वेट के बारे में कि फीवर वीवर चढ़ जाता है कैसे क्या, वो तो हम लोग को बाद में मालूम चला कि एयर छू के चेक कर सकते फीवर चढ़ा हुआ है कि नहीं है, तो ये सारा कुछ अब थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा, क्योंकि पेट रखे तो पेट संभालना इतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि ये लोग के इंसान को क्या होता है कि वो लोग को तबीयत ख़राब है बोल देता है कि मेरा तबीयत ख़राब है, लेकिन ये लोग थोड़ी बोल सकता है, ये लोग को आप लोग को खुद करना पड़ेगा। सो यही है, दो प्यारी प्यारी बेबीज हम लोग के पास में है, अब ये लोग का ध्यान रखना हम लोग को, है ना। हाय बोल दो, हाय ब्लॉग में हाय बोल दो। एंड ये लोग का नाम भी नहीं रखा, आसिफ एक ही नाम का जिद किया हुआ, पीनट बटर, एक का नाम पीनट एक का नाम बटर, तो अगर ज़्यादा दिक्कत देगा तो हम लोग यही नाम रख लेंगे, लेकिन हमको उतना टाइम नहीं मिला कि ये लोग का नाम को सोचे। देखो वहाँ जाके वो दूध पी रही है, देखो 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 सही है बॉय। सो पीनट बटर, ओए पीनट ये कौन है, ये कौन है, ये बटर है कि पीनट है, चेक करते हैं ऐसे मालूम चलेगा, ये बटर है, ये बटर है, ये छोटी वाली है। सो फिलहाल आज का ब्लॉग तो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बस आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना था कि ऐसा ऐसा चीज़ हुआ था, तो ये चीज़ बता दी आप लोग स्नो के बारे में। देखो कितनी क्यूट लग रही है, ओए 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 ओए, दादी काटेगी, दादी काटेगी, दादी काटेगी, नहीं काटेगी। सो फिलहाल बस अभी ये लोग का टेक केयर करना है एंड ये लोग अच्छे से बड़ा कर रहा है, एंड आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग को अगर कुछ बेसिक नॉलेज है पेट्स के बारे में, कैट्स के बारे में, कि कैसे वो लोग को क्या क्या खिलाना पड़ता है, कितने में, क्योंकि ये लोग आज हुई एक महीना का, पूरा पूरी ये लोग लाइक बेबीज लोग आज एक महीना का हुई है, तो आप लोग कमेंट करके बता देना अगर आप लोगों को किसी के कैट्स है या कुछ नॉलेज है तो बताना कि ये लोग को क्या देना सही रहेगा एंड ऑल, तो हेल्प रहेगा मेरे लिए थोड़ा। सो थोड़ा हेल्प कर देना बॉयज़, और कुछ नहीं, एंड फिलहाल बस